तू जिहड़ियां पंजाब दी किरती लोकां नूं नवीं भाजी पाई आ, तेरी भाजी ब्याह समेत मोड़ांगे। ये भाजी ये उस कौम नाल तू पंगा लिया जिहड़ी दिल्लियों शीश लैके आ। साडी मंग सी दिहाड़ी च वाधा करो, दिहाड़ी च वाधा तां नहीं कीता, टाइम दे विच चार घंटे होर वाधा करता कि बड़ियां बड़ियां फैक्ट्रियां वाले, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योगपति मजदूर नूं दब के लुट सकण। चाहे मजदूर दी मैं कई बार चैनल ते कहा, कोई जात नहीं हुंदी गिल साहब, मजदूर किसी भी जात च हो सकदा। वड्डे पद्धर ते किसानां दे मुंडे पैलसां च पेट्रोल पंपां दे विच फैक्ट्रियां दे विच दिहाड़ी करदे ने। गल तू करिया करदा सी मगदा रही वे सूरजा कमियां दे बेड़े, ते अज उही कमियां दे बेड़े तू अहिजा इक अहिजा नलायक फैसला, अहिजा घटिया फैसला कीता कि उन्हां दे हड्डां नूं पीस के किवें शरमाएदार लोग फैक्ट्रियां वाले कारखानियां वाले खान 8 घंटे तो 12 घंटे की। जो झटकई ने एक मुर्गा बढ़ना होंदा ना, उहदी इक अद्धी लत्त जिहड़ी लत्त हथ च आ जाए उही चीकदा, बाकी दा दाणे खाण च मस्त रहिंदे ने। भी सानू दाणा मिल रहा, पर उन्हां नूं ये नहीं पता भी अगला जिहड़ा भी गाहक आ गया धौण थोड़ी भी है नहीं। किसान जथेबंदियां पता नहीं की धौण च किला पसाई फिर, अज 4-5 किल्यां वाला 3-4 किल्यां वाला बाई जी मजदूरी आ, पूरी नहीं पड़ती। तुसी देख रहे हो चक दे पंजाब चैनल, मैं बलतेज गल। अज असी पहुंचे हैं सरदूलगढ़, जिथे साडे नाल गलबात करनगे बसपा आगू कुलदीप सिंह सरदूलगढ़। तां पिछले दिनी पंजाब सरकार वल्लों जिहड़ी मजदूरां दी दिहाड़ी है जिहड़ा टाइम आ उहनां दा 8 घंटे तो 12 घंटे कर दित्ता गया सी, जिस करके मजदूर जथेबंदियां ने इहदा विरोध करिया। तां इस बाबत साडे नाल गलबात करनगे कुलदीप सिंह जी सरदूलगढ़ बसपा आगू। सत श्री अकाल बई जी। धन्नवाद जी आप जी दा। हाँ बई जी, जिहड़ा मसला उठ रहा जिहड़े मजदूरां दी जिहड़ी टाइमिंग सी 8 घंटे वो 12 घंटे करता, जथेबंदियां विरोध कर रही, तुसी इस बाबत की कहना चाहोगे? बड़ा शर्मनाक फैसला है, किरती लोकां दी किरत दी लुट दा फैसला है। ये एक इंसान नूं करजे दी दलदल दे विच उहदे शरीर नूं आर्थिक तौर पर बिल्कुल उहनूं आर्थिक तौर पर मानसिक तौर पर तोड़न वाला फैसला, जिहदा बहुजन समाज पार्टी सख्त शब्दां दे विच विरोध करदी। तो एक बई जी ये मान ला जे फैसला वापस नहीं हुंदा तां तुसीं आने वाले समय तो की रूपरेखा होगी, संघर्ष होगा भी इहनूं यार असीं वापस कराईए, क्योंकि 8 घंटे भी बहुत हुंदे जे आपां लगातार काम करिए, क्योंकि जिहड़े मुलाजम आ उह भी लगभग 8 घंटे की ड्यूटी हुंदी आ, पर दूसरी पासे इहनां दे 12 घंटे कर दित्ता गया। मैं कहना जिन्नियां लानतां इह सीएम नूं पाईए सरकार नूं पाईए उह घट ने, क्योंकि हर फरंट दे उत्ते सरकार बुरी तरह फेल आ। अज हरेक पंजाब दा नागरिक अपने आप नूं ठग्या महसूस कर रहा, जिहड़े किरती लोकां ने चाई चाई झाड़ू चक के ढूई नाल झाड़ू बन के भंगड़े पाए सी, झाड़ू लैके आंदा सी, 92 सीटां किरती लोकां ने जताईयां होण ते उहनां नूं तोहफा यह मिल गया कि शरमाएदार लोग तनाड़ लोग वह किरती लोकां दी किरत दी दब के लुट करन। 8 घंटे तो 12 घंटे समा करता, जिहड़ा एक बहुत ही निंदनयोग घटिया फैसला सरकार दा। मैं सरकार नूं दसना चाहुंदा कि तुसी थोड़ी सरकार पहले यू टर्न सरकार आ, तुसी फैसला लै लैंदे हो फिर यू टर्न भी छेती लैंदे हो, ते इहदा भी जल्दी तुहानूं असी समा दित्ता सी हफ्ते दा, पर तुहाडे कन्न ते जू नहीं सरकी। पर इह तुहाडे नाल वादा जिहड़े किरती लोकां नूं तुसी गमराह करके झाड़ू जताया सी, जिहड़ियां महिलावां नूं कहा सी 1000-1000 देवांगे, 5-5 मरलियां दे प्लाट उत्ते घर बना के देवांगे, अज पंजाब दा गरीब किरती लोक मैं कहना जिहड़े दुकानदार ने NOC-आं दे नां दे उत्ते उहनां नूं परेशान खज्जल कीता जा रिहा, असीं किरती लोक इकट्ठे हो के बस अज कल दे विच तरीक दे दांगे सूबे दे मुख्यमंत्री अगे, जिहड़े सूबे दे मुख्यमंत्री ने गुमराह करके शेड्यूल कास्ट समाज नूं झाड़ू चकाया सी, वड्डे पद्धर ते इहदा पिंड जिहड़ा कहना हुंदा सी सतौज वाला मास्टर दा मुंडा महेंद्र सौं दा मुंडा, एक बार उहनूं हरा पिन दे दो महेंद्र सौं दे मुंडे नूं, गरीबां दी किसानां दी मजदूरां दी तकदीर बदल दूगा। फसल मरी कहिंदा सी मुर्गी कुकड़ी दे भी मैं सारे मुआवजे जिहड़े आए ने सब देवांगा, हर फरंट दे उत्ते भज्जिया ओ यार कोठियां पाड़ियां घर टुट्टे 2500-2500 5-5 हज़ार रुपया मुआवजा, बड़ी लानता यार किसानां नूं 7 हज़ार रुपए तो घट किले, मगर बड़ी शर्म वाली गल आ उदों बाद खर्चा करी बैठे सी।
कुछ मजाक करते ने। आन वाले दिनों के मैं तुहाडे चैनल राही दसना चाहना पंजाब की जनता नूं कि आओ किरती लोकां दी जिहड़ी लुट की जा रही है उहनूं रोकण दे लई किरती समाज इकट्ठा होवे। आने वाले दिनों के असी वड्डा इकट्ठ इहदे पिंड सतौज लिजा के इहदे घर का घराव करांगे ते जिहड़ा गुमराह करके समाज नूं झाड़ू चकाया सी ओह झाड़ू इहदे वार मूहरे उत्थे मचावांगे कि तैनू इस चावा नाल लैके आए सी कि तू 8 घंटिआं दे उत्तों किरती लोगों की लुट करें, तू 12 घंटे मजदूर की किरत की है, शरेआम तू किरती लोगों डाका मारिया। मुख्यमंत्री साहब तैनू पंजाब के लोग कदे भी माफ़ नहीं करनगे। तू कहिंदा हुंदा सी कि चुल्हिआं की अग बुझ गई, तुसीं कहा करदे सी नशिआं दे विच, अज नशिआं दा भी उही हाल आ, अज जिहड़े करप्शन हो रही आ पंजाब दे विच उही हाल आ। अज हर नागरिक बड़ा दुखी होया पर असी ये फैसला कर लिया कि आने वाले दिनों के बड़ा इकट्ठ करके किरती लोगों का इकट्ठ करके असी किरती आने वाले बच्चों के आने वाले भविख के नाल सरकार नूं खलवाड़ नहीं करन देवेगी बहुजन समाज पार्टी। असी इस सरकार दीआं गलत नीतियां दा डट के विरोध करा। मजदूर की मैं कई बार चैनल पर कहा कोई जात नहीं होंदी गिल साहब, मजदूर किसी भी जात च हो सकता। वड्डे पद्धर ते किसानां दे मुंडे पैलसां च पेट्रोल पंपां दे विच फैक्ट्रियां दे विच दिहाड़ी करते ने, अपर कास्ट के भी करते ने। असी जात की गल नहीं करते, असी पाक पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब की ओट लैके गल करते हैं कि गुरुआं की सोच से सानू पहरा देना पऊगा। गुरु ने मानस की जात सभी एक पछाणमो की गल की सी, पर इन्होंने टारगेट किया जानबुझ के। हुण कहिंदे ने बस 70 साल ने सानू समां दो, 2 साल इन्हां नूं बणिआं नूं हो गए कि तुसीं 8 घंटिआं तों विच वो मजदूर की दिहाड़ी तो साड़ी मंग सी दिहाड़ी च वाधा करो, दिहाड़ी च वाधा तो नहीं किया, टाइम दे विच 4 घंटे होर वाधा करता कि बड़िया बड़िया फैक्ट्रिया वाले बड़े बड़े कारखाने बड़े बड़े उद्योगपति मजदूर नूं दब के लुट सकन, उहदा दब के शोषण कर सकन। यार एक औरत जिहड़ी बेचारी दिहाड़ी करदी आ 12 घंटे किवें कम कर लो, उन्हें घरे बच्चे भी पालने ने, उन्हें घर का भी सिस्टम चलाना आपदे दा, कबीलदारी के सारे सिस्टम होंदे ने। एक बंदा कोई प्लास्टिक का थोड़ी है भी वह 12 घंटे किवें कम करूगा। कोई गल नहीं भगवंत सिंह मुख्यमंत्री 5 साल लई आउंदे आ आउंदे जांदे रहने आ, तू जिहड़ियां पंजाब दी किरती लोकां नूं नवीं भाजी पाई आ तेरी भाजी ब्याह समेत मोड़ांगे। ये भाजी ये उस कौम नाल तू पंगा लिया जिहड़ी दिल्लियों शीश लैके आई सी, तू उस कौम नाल पंगा लिया जिन्हां ने गुरु नाल सब तो ज़्यादा नभाई, गुरु दे सब तो ज़्यादा जदों सिक्खी ते औखा टाइम सी उदों निभे ने वो लोग। वो लोगों का तू मास खाण का काम किया, लोगों नूं तू हरासमेंट मानसिक तौर पर तोड़न का काम किया। तैनू आने वाले दिनों के मैं फिर कहना 19 नूं 21 नहीं 19 नूं 31 पा के तैनू सबक जरूर जरूर सिखावांगे। भाई जी तुसीं कह रहे हो भी जिहड़े मतलब दुकानां ते जां किसी भी लेबर च आ कल्ले मजदूर नहीं होर भी वर्ग काम करदा, जट होवे ब्राह्मण होवे बाणियां तां, पर जिहड़ा रौला इसदा कल्लियां मजदूर जथेबंदियां पा रहियां। बड़ी वधिया गल तुसीं इह रखी आ, यही तो अफसोस आ। हमें अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम था, हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये साडियां नलैकियां जदों झटकाई ने एक मुर्गा बढ़ना होंदा ना उहदी इक दी लत्त जिहड़ी लत्त हथ च आ जाए उही चीकदा, बाकी तां दाणे खाण च मस्त रहिंदे ने भई सानूं दाणा मिल रहा, पर उहनां नूं इह नहीं पता भी अगला जिहड़ा भी गाहक आ गया धौण थोड़ी भी हैणी, धौण तुहाडी भी हैणी। यही साडा सब तो वड्डा दुखां दा कि अज दूसरिया जथेबंदियां अज किसान जथेबंदियां पता नहीं की धौण च किला फसाई फिरदियां। अज 4-5 किल्लियां वाला 3-4 किल्लियां वाला बाई जी मजदूर ही आ, पूरी नहीं पढ़ती, वह जवाक नहीं ढंग नाल पढ़ा सकता, जवाकां दे शौक पूरे नहीं कर सकता। हुण इस दा ला लो, इसने वधाउणी तां मजदूरी दा रेट सी, रेट वधाउण दी बजाए जिवें ड्रामे करया करदा सी, नाटक करया करदा सी, जा मैं कहूँगा कमेडियन सी, वो कमेडियन ब ये सानू इन्हां ने भाजी पाई है, वो कहिंदे ने भाजी पाई है, वो सानू भाजी पाई है। भाई तुसीं तां दिहाड़ी दा रेट कहिंदे सी, दिहाड़ी दा तां नहीं वधाया बे चको, तो मजदूरी का टाइम जरूर वधाता, 8 घंटे तो 12 घंटे करता। इस करके मैं तुहाडे चैनल राही जे कल्ले कल्ले होके लड़ांगे तो बहुत नुकसान पहला भी झले ने, दिल्ली वाला संघर्ष भी ता ही जितया गया सी, उत्थे किसान मजदूर का नारा दिता गया सी। हल्की जदों मजदूर की गल आई उदों किसान हमेशा
ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਖੁਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ, ਕੀ ਕੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਕੇ ਸਮਾਜ, ਹਰ ਭੂਮੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਆਬਾਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹਲੀਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭੂਮੀ ਆਪਣਾ ਦੇਹਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾ ਲਓ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਗੋਲਕ ਤੱਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਜਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਗਲਾਵਾਦੀ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਗਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਜੀ ਬਿੱਲ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੜਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ।